मैं मोक्ष दायिनी, मैं स्वर्ग स्थली। इतिहास की गलियों से निकलकर सीधे ही माँ गंगा के आंचल में लिपट कर बैठी हूँ। मैं वाराणसी, मैं काशी, सदियों से मैं मेरे अपनों की श्रद्धा की साक्षी बनकर बैठी हूँ। मैं भी एक जमीन का टुकड़ा होती अगर बीते कल ने मुझे इन मंदिरों, घाटों और इन ऐतिहासिक इमारतों से सजाया ना होता। समय की लहरों से टकरा टकरा कर मेरी भी कश्ती डोल रही होती अगर मेरे एक बेटे ने आकर मुझे पुकारा नहीं होता। मेरी काशी, काशीवासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं इसके लिए बहुत ही अभिभूत हूँ। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ, यहाँ की परंपरा को प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापिस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं इस नगर की सेवा करूँ। 4 साल, कभी सोचा नहीं था कि 4 साल में भी इतना कुछ हो सकता है। लेकिन अपनी आंखों के सामने नजारों को बदलते देखा तब माना। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जमीन पर इतना बड़ा स्वच्छता अभियान चलेगा। लेकिन 80 घाट पर हुई इस शुरुआत ने जब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया तब माना। कभी सोचा नहीं था कि हृदय और अमृत, ये दो शब्दों का मतलब काया पलट भी हो सकता है। शहर का टाउन हॉल और कबीर चौरा अब नई जान है। यहाँ मणिकर्णिका घाट और दुर्गा कुंड बढ़ा रहा सम्मान है। मानो मेरी हथेलियों की धुंधलाती लकीरें फिर से उभरने लगी हों। जब नई बनी सड़कों को देखा, रेलवे स्टेशन को और भी बेहतर होते देखा, जब 50,000 निशुल्क पेयजल सुविधा को प्यास बुझाते देखा, जब करसड़ा में कूड़े से खाद बनते हुए देखा, जब 150 से ज्यादा सामुदायिक शौचालयों को रातों रात बनते हुए देखा। ऐतिहासिक शहर का ताज तो मेरे सर पर चमक ही रहा था। कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन ये पहचान भी मिलेगी। पहली बार 2015 में मुझे यूनेस्को का सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला और भारत सरकार की स्मार्ट सिटीज में भी मुझे शामिल किया गया। आज काशी की सेहत सवर रही है। आज मेरे हजारों बुनकर मेरे भारत के बड़े सपने का हिस्सा बन चुके हैं। आज मेरे उद्यमी युवा स्फूर्ति योजना से स्किल, लोन, सब्सिडी पाकर खादी संस्थान और कालीन कारीगरी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों की प्रगति के रास्ते खोले जा रहे हैं। शायद इसलिए परिवहन को और भी बेहतर किया जा रहा है। चलो, आखिरकार सालों से अटके हमारे रिंग रोड का काम भी अब पूरा होने आया है। कभी सोचा नहीं था हजारों लाखों सैलानियों और यहाँ के निवासियों की सुविधा के लिए वाराणसी और उससे जुड़ी अनेकों सड़कों को और भी बेहतर किया जाएगा, पर अब वो भी हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि उड़ान इतनी ऊंची भी होगी, पर लो आज हो गई। सोचा नहीं था कि काशी में हवाई यात्रा करने वालों की तादाद 20.9 लाख तक हो जाएगी, पर लो आज हो गई। बात तो सही है, नियत साफ हो तभी होता है तेज विकास। वाराणसी से हल्दिया तक फैले 1380 किलोमीटर लंबे जल मार्ग का काम तेजी से न चल रहा होता, नहीं तो मेरे लाखों श्रद्धालुओं को मेरे घर तक लाती हम सफर, अंत्योदय, जनसाधारण, महामना और शताब्दी एक्सप्रेस, इतनी सारी ट्रेनें शुरू ना होती। वैसे एक माँ को और क्या चाहिए?
बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी गारंटी के मुद्रा लोन मिल रहा है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, उन्हें जीवन की सुरक्षा मिल रही है, कैंसर पीड़ितों को मुफ्त में कीमोथेरेपी मिल रही है और 150 बेड की अस्पताल से बीमारों की देखभाल बढ़ रही है। बनारस एक बड़े मेडिकल हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। वैसे पता है, आज मेरी बेटियां अब धुएं में नहीं, गैस पर खाना पकाती हैं। पहले जहां वायरों का जाल नजर आता था, अब उसकी जगह 228 किलोमीटर में फैली अंडरग्राउंड केबल ले रही है। मेरे किसानों के लिए फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र को वाराणसी ले आए हैं। वाराणसी इलाहाबाद मार्ग पर राजा तालाब में रेलवे कंटेनर डिपो और पेरिशेबल कार्गो भी बनाया गया है, जिससे हमारी सब्जियां, फलों और व्यंजनों के भंडारण के लिए 100 मेट्रिक टन के 4 शीत चेंबर भी बनाए गए हैं। दिन रात एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के आगे मेरी प्राचीनता को और भी अधिक समृद्ध करने में जुटे हैं। एक ऐसी काशी बनाने के लिए जहां सभी का हो अपना घर और हर घर हो रोशन, हर घर में पानी हो, हर जीवन खुशियों की कहानी हो, सुबह और शाम हवाओं में छलकती समृद्धि हो, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरी काशी, न्यू इंडिया की ओर कदम बढ़ाती काशी।